लोकसभा चुनाव में हर राजनीतिक दलों की ओर से जोरदार तैयारियां की जा रही है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी और शिवसेना, दमखम लगाया जा रहा है और जीत का सपना लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनावी मैदान में कुछ कमाल करने की कोशिशें की जा रही है। बीजेपी ने अपने काम को जनता तक पहुंचाने के लिए हल्ला बोलते हुए एक इनोवेटिव डिजिटल अभियान शुरू किया है। हाल ही में बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का आइकॉनिक सीन रिक्रिएट किया गया है। ये वही सीन है जब सिमरन राज का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की कैसे ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही है। इससे बीजेपी ये मैसेज देना चाह रही है कि भारत में जल्द ही बुलेट ट्रेन आएगी। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई बार बुलेट ट्रेन का जिक्र भी किया है। 2014 के आम चुनावों में बुलेट ट्रेन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही बुलेट ट्रेन की सवारी करने को मिलेगी। हालांकि सरकार भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द भारत की पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर आ जाए। आपको ये भी बता दें कि ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। देश में बुलेट ट्रेन को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। लोगों का ये इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि साल 2026 में गुजरात के सूरत से बिलीमोरा तक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और वो शुरू होने के लिए तैयार हो जाएगी। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 220 किलोमीटर प्रति घंटे से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेनें चलेंगी। बुलेट ट्रेन का पहले फेज में गुजरात के सूरत से बिलीमोरा वाले 50 किलोमीटर के रूट पर ट्रायल रन होगा। इसके अगस्त 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। 2027 तक बुलेट ट्रेन की सर्विस बड़े रूट पर शुरू हो जाएगी। मुंबई से साबरमती तक 12 स्टेशन होंगे। तेज रफ्तार के साथ ही सुरक्षा से समझौता ना हो इसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली बुलेट ट्रेन सिस्टम को अपनाया जा रहा है। 1964 से शुरू इस ट्रेन सिस्टम से आज तक एक भी यात्री की मौत नहीं हुई है, ऐसा दावा किया गया है। ऐसे में भारत अपनी तरफ से बेस्ट सिस्टम को अपनाते हुए देश में बुलेट ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी में है। गुजरात के वलसाड जिले में पहाड़ में 350 मीटर के सुरंग को तोड़ने का काम पूरा हो गया है और 70 मीटर लंबाई का पहला स्टील पुल गुजरात के सूरत जिले में बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि ये 28 स्टील पुलों में से पहला है जो MAHSR कॉरिडोर का हिस्सा होगा।